हेलो ट्रेडर्स एंड वेलकम टू एसएस ट्रेडिंग स्टूडियो। और आज हम लोग कोई लाइव ट्रेडिंग नहीं करेंगे, एक छोटा सा टॉपिक है, लेसन है, इंट्राडे के अंदर हम इसका यूज कर सकते हैं और टॉपिक का यूज करके एक अच्छा रेशियो, वो पॉइंट हम पकड़ सकते हैं कि जहां से हम एक स्टॉक को ट्रेड करने का अपना माइंडसेट बना सको। ये वो पॉइंट है जिसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और मेजॉरिटी ऑफ ट्रेडर्स की यही परेशानी होती है कि बहुत बार हम लोग जोन में, सपोर्ट और रेजिस्टेंस में, इन दोनों ही चीजों में फर्क नहीं कर पाते, जबकि ये दोनों ही टॉपिक्स अलग अलग हैं। फर्स्ट टॉपिक जिसे अपसाइड में हमने ऊपर में लिख रखा है कि डिफरेंस बिटवीन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड डिमांड एंड सप्लाई जोन। डिमांड एंड सप्लाई जोन और सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये दो पॉइंट्स हैं। अब इन दोनों पॉइंट्स को ही हमें एक एक करके समझना होगा और आज की जो क्लास है, आज की क्लास में हम लोग सिर्फ इन्हीं दो पॉइंट्स को समझेंगे। कोई एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, स्टॉक्स, जरूरी है हमारे लिए कि हमको सपोर्ट रेजिस्टेंस, डिमांड एंड सप्लाई, इन दोनों के बीच का डिफरेंस मालूम। अभी अगर हम इन दोनों का डिफरेंस पता करना चाहें कि किस तरह से हम इन दोनों को आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे इनको अलग करेंगे, तो जैसे सबसे पहले आता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस, बाद में डिमांड एंड सप्लाई। तो हमें डिमांड और सप्लाई जोन को, डिमांड एंड सप्लाई जोन, सबसे पहले हम जोन्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में ये डिमांड एंड सप्लाई जोन क्या होता है। अभी देखिए कि जैसे एक ये रेंज है और एक रेंज है अपसाइड में, तो हमारे लिए जो नीचे वाली रेंज होगी ये हमारी होगी डिमांड जोन, और जो अपसाइड की रेंज होगी ये होगी हमारी सप्लाई जोन। एक डिमांड जोन है और दूसरी है सप्लाई जोन, इनके बीच का डिफरेंस देखिए। और अब हम मार्क करेंगे अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को जब हम मार्क करते हैं तो वो किस तरह का होता है, ये हुआ हमारा सपोर्ट, ये वाली लाइन हुई हमारी रेजिस्टेंस। अभी इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको साफ साफ दिख रहा होगा। जैसे अगर हम जोन को देखते हैं तो जोन में क्या है कि ये दो लाइन्स है और इन दोनों लाइन्स के बीच को हम एक जोन बोलते हैं, जो कि है एक सप्लाई जोन, और एक नीचे का एरिया है जहां पर हमारे लिए भी दो लाइंस है और इन दो लाइंस को हम बोल रहे हैं डिमांड जोन। ओके, बट जब हम देखते हैं अपने सपोर्ट्स को तो सपोर्ट्स पर कोई जोन नहीं होता, यानी कि दो लाइन नहीं होती। हमारे पास कंफर्म सिनेरियोज होता है कि अगर 100 रुपए है तो ये 100 रुपए का लेवल हमारे लिए एक सपोर्ट है, और जो ये 102 रुपीज का लेवल है ये हमारे लिए एक सपोर्ट है, यानी कि एक पर्टिकुलर प्राइस ऑफ लेवल है जहां से हम बोल सकते हैं ये हमारा सपोर्ट है और ये हमारा रेजिस्टेंस है। ये एक तरह से हो गया हमारा जोन, सप्लाई जोन, और ये हो गया डिमांड जोन। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं, व्हाट इज सप्लाई जोन। अब देखिए सप्लाई जोन क्या होगा, इसको तो जैसे ये कुछ ड्रॉइंग्स हमने यहाँ पर ड्रॉ कर ली। अब यहाँ पर हमें जोन को ड्रॉ करना है। अब एक जोन को हमें जब ड्रॉ करना होता है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एक पूरा का पूरा जोन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। जोन इन द सेंस कि अब ये लेवल हमारा एक जोन हो गया। हमने यहां पर क्या क्या ले लिया, एक ये वाला पॉइंट ले लिया, एक ये वाला पॉइंट ले लिया, और दूसरा इस एक कैंडल को भी इसी में, इसके अंदर मर्ज कर लिया हमने, अपने जोन के अंदर मर्ज कर लिया। देखिए कितने पॉइंट्स बन गए हमारे पास, 3 पॉइंट्स बन गए, और इन 3 पॉइंट्स को हमने कैच किया, और 3 पॉइंट्स को ड्रॉ करने के बाद जो लेवल्स हमारे पास निकल करके आए हमने उसको एक नाम दिया जिसको हम कहेंगे एक जोन। लाइक ये वाला जो जोन है हमारा, ये एक डिमांड जोन है। ओके, इस तरह से हम एक जोन ड्रॉ करते हैं। जोन ड्रॉ करने के लिए क्या है कि इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है जोन ड्रॉ करने में, हमें एक ऐसा पॉइंट ढूंढना होता है जहां पर ज्यादातर कैंडल्स ने अपना सपोर्ट लिया हो या अपना डिमांड, वहां पर प्राइस की उस जगह पर डिमांड होती है, वो एक डिमांड जोन होता है। इस लेवल पर देखिए कि जैसे एक तो हमारा ये लेवल है जहां पर प्राइस बार बार उस लेवल पर आया है, और दूसरा अगर हम देखें तो एक ये एरिया है कि जहां पर स्टॉक ने अपना डिमांड लिया है, ये एक डिमांड जोन बोल सकते हैं इसको, ये एक डिमांड जोन है। कैसे, एक ये वाला एरिया अपना पूरा हमने क्या किया, फर्स्ट वाली कैंडल इस वॉल्यूम की जो प्राइस है इसका लो भी ले लिया, बाद में इस वाले वॉल्यूम का जो प्राइस है इसका भी लो ले लिया, तो क्या हुआ कि एक पॉइंट हमको ऐसा मिला जहां पर दो कैंडल्स के लोज आपस में मिल रहे हैं। फिर क्या हुआ, यहां का क्लोज प्राइस ले लिया,
तो ये तीन प्राइस हमको मिल गए और बाद में सेम लेवल यानी डिमांड्स को नीचे की तरफ प्राइस ने ब्रेकआउट किया हुआ है। ओके यहाँ पर तो क्या हुआ कि हमको तीन कैंडल्स के सपोर्ट्स यहाँ पर मिल चुके हैं, तीन कैंडल्स के सपोर्ट में। तो इसमें क्या है कि हमने पूरा एक तरह का जोन मार्क कर लिया और अब एक्सपेक्टेशन ये होगी कि मार्केट अगर तीन बार उस लेवल को टच किया तो हो सकता है कि आने वाले समय में फिर से उस डिमांड जोन पर आए और हमको बाइंग या सेलिंग के सिग्नल्स दे। ये तो हो गया एक तरह से हमारा डिमांड जोन। और अभी जब हमको ड्रॉ करना होता है सप्लाई जोन, तो सप्लाई जोन को हम कैसे ड्रॉ करते हैं कि अप साइड की तरफ हमको वो एरियाज ढूंढने होते हैं कि जहां पर जिस एक लेवल ऑफ पॉइंट पर प्राइस ने बार बार अपना उसको टच किया हो, उस लेवल को टच किया हो, यानी कि सप्लाई को टच किया हो, सप्लाई जोन बनाया हो वहां पर, है ना। तो अब यहां पर वो अगर एरिया हम देखेंगे तो सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, इस एक कैंडल का हाई हम ले सकते हैं, बाद में इस हाई के पास में ये वाली भी एक कैंडल है और एक ये वाली कैंडल है। ओके और अगर पीछे करें तो हमारी प्रीवियस कैंडल्स भी इसके अंदर मर्ज हो सकती है। चलिए अब यहां पर क्या हुआ है, जिस तरह से हमने देखा कि यहां पर देखिए तीन पॉइंट्स हमको ऐसे नजर आए हैं कि अपसाइड का जो एरिया है यहां पर हमने क्या किया कि एक जोन मार्क कर लिया और इस जोन में जो कॉमन चीज है वो क्या है कि हमको जो एरिया मिला है उस एरिया पर इस एक कैंडल का भी हाई है, इसका भी हाई है, इस रेड वाली कैंडल का भी हाई है और वापस से सेकेंड लास्ट कैंडल का भी हाई है। तो हमने एक ऐसा जोन निकाल लिया है मार्केट से कि जहां पर जिस एक जोन पर चार चार कैंडल्स ने बार बार वहां पर उस जगह से रेजिस्ट लिया है और एक जोन में जाकर के, एक प्राइस के जोन में जाकर के वहां से प्राइस नीचे की तरफ रिट्रेस हुआ है, नीचे की तरफ रिजेक्ट हुआ है। तो इस एरिया को हम बोलेंगे जोन कि जहां पर एक सर्टेन पॉइंट नहीं होगा, एक फिक्स्ड प्राइस नहीं होगा, यहां पर कोई फिक्स्ड प्राइस नहीं है कि जहां से प्राइस ने एक रेजिस्टेंस लिया हो या वहां से सप्लाई मिली हो प्राइस को। यहां पर क्या है कि एक पूरा का पूरा जोन ड्रॉ कर दिया है मार्केट ने और उस जोन में जाकर के प्राइस नीचे की तरफ रिजेक्ट हो रहा है। और इन फ्यूचर हम यही इसके अंदर से एक्सपेक्टेशन करते हैं कि प्राइस या तो यहां से या इस वाले एरिया से या इस वाले एरिया से या तो यहां से कहीं ना कहीं से इसको नीचे आना चाहिए, है ना, इस वाले एरिया से। अब ये फिक्स्ड नहीं है कि वो प्राइस कौन सा होगा या वो लेवल्स कौन सा होगा कि जहां से प्राइस को नीचे की तरफ आना होगा। और जब हमने यहां पर डिमांड जोन मार्क किया था तो डिमांड जोन्स में भी ये कंफर्म नहीं है कि वो प्राइस किस लेवल से नीचे की तरफ या अपसाइड की तरफ जा सकता है, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा एक जोन मार्क है, एक पर्टिकुलर प्राइस मार्क नहीं है। तो क्या है कि यहां पर भी हमको एक तरह की कंफ्यूजन ही दिखाई पड़ती है कि अगर हमें स्टॉक्स के अंदर अपनी एंट्री लेनी है तो हम कहां से लेंगे, इस पॉइंट से लेंगे, इस पॉइंट से लेंगे या इस पॉइंट से लेंगे। हमें नहीं मालूम है कि स्टॉक को अगर अपसाइड की तरफ निकलना है तो वो कौन से पॉइंट से निकल सकता है, क्या वो इस पॉइंट से निकलेगा, यहां से निकलेगा, इस वाले पॉइंट से निकलेगा, यहां से निकलेगा, किस पॉइंट से निकलेगा, क्योंकि हमारे पास एक सर्टेन प्राइस नहीं है, सर्टेन पॉइंट ऑफ प्राइस नहीं है, हमारे पास एक पूरा का पूरा जोन है। तो अब हमें जो काम करने में थोड़ी सी कठिनाई होगी, टफ रहेगा, ये जोन हमने मार्क कर लिया है, होगा क्या कि जब मार्केट चल जाएगी तो हमको समझ में आएगा अच्छा इस जोन से प्राइस नीचे की तरफ आया है या इस जोन से प्राइस अपसाइड की तरफ गया है। हम फिक्स नहीं हो पाएंगे कि एक सर्टेन प्राइस ऑफ पॉइंट ऑफ प्राइस से या प्राइस ऑफ पॉइंट से ही प्राइस अपसाइड की तरफ या डाउनसाइड की तरफ गया है। तो ये डिफरेंस होता है और ये चीज होती है, इसको हम बोलते हैं सप्लाई एंड डिमांड जोन। ओके ये था हमारा सप्लाई जोन एंड डिमांड जोन। अभी सप्लाई एंड डिमांड जोन में क्या होता है कि अपर साइड का जो एरिया होता है, अपसाइड का जो एरिया है ये होता है हमारा जोन ऑफ सेलर्स और जो नीचे का प्राइस होगा हमारा, तो अपसाइड का जो एरिया होता है या द जोन ऑफ सेलर्स होता है ये वाला एरिया और नीचे वाला जो एरिया होता है ये जोन ऑफ बायर्स होता है कि इस पॉइंट से प्राइस अपसाइड की तरफ मूव कर सकता है, हम इस तरह की एक्सपेक्टेशन होती है हमारे पास। और अपसाइड के एरिया से प्राइस नीचे की तरफ गिर सकता है तो ये वाला जो जोन होता है ये हमारे पास होता है सेलर। हम यहां से बाइंग एंड सेलिंग का व्यू बना सकते हैं मार्केट के अंदर और ये सबसे इजीएस्ट मेथड होता है कि जब हमें बोला जाता है कि हम किसी जोन को मार्क कर लें तो हम ऐसा एक जोन ढूंढ लेते हैं कि जहां से स्टॉक ने तीन बार, चार बार या पांच बार, ज्यादा से ज्यादा बार प्राइस उस सर्टेन पॉइंट ऑफ लेवल से रिट्रेस हुआ हो, टच हुआ हो, रेजिस्ट हुआ हो या फिर सपोर्ट लिया हो, वहां से अपसाइड की तरफ उसके अंदर मूव आए हो या डाउनसाइड की तरफ मूव आए हो।
तो जिस एक जोन से बार बार प्राइस स्टॉप उस एक लेवल से टच होकर के नीचे की तरफ गिर रहा है, हम उससे पूरे जोन को मार्क कर लेते हैं। और ये वन ऑफ द इजिएस्ट मेथड है जिसको कि हम डिमांड एंड सप्लाई जोन बोलते हैं, सबसे इजिएस्ट मेथड। कोई भी टेक्निकली यहाँ पर हमें ये नहीं देखना होता है कि एक बैट्स की कैंडल हमें देखनी है, सेलिंग कैंडल देखनी है, या फिर कोई एक सर्टेन फॉर्मेशन देखनी, उस फॉर्मेशन का हाई और लो मार्क करना है। नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करते। यहाँ पर हम वॉल्यूम्स की भी कंफर्मेशन नहीं लेते। क्या करते हैं कि एक सर्टेन पॉइंट ऑफ लेवल में ढूंढ लेना होता है कि जिस लेवल से प्राइस बार बार रिजेक्ट रेजिस्ट हुआ होगा, हम उसी एक जोन को मार्क कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन और उसको ड्रॉ करने का तरीका। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पर जिसको हम बोलेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को जब हम पढ़ेंगे, सेम चार्ट है, सेम कैंडल, सेम फॉर्मेशन है अपनी। अब हमें जब देखना होगा कि यहां पर हमें एक सपोर्ट ड्रॉ करना है, तो सपोर्ट्स के ड्रॉ करने में और डिमांड जोन के ड्रॉ करने में सिर्फ इतना सा फर्क होता है कि डिमांड्स में हम क्या करते हैं, सर्टेन एरिया को मार्क करते हैं, बट सपोर्ट में हम क्या करते हैं कि एक सर्टेन पॉइंट को मार्क करते हैं। अब हमें जो ट्रेड करना होता है, जो ट्रेड करना होता है, वो इस एक पॉइंट से नहीं करना होता, वो यहां से नहीं करना होता, वो इस वाले एक पॉइंट से नहीं करना होता, यहां से नहीं करना होता। हमारे पास पास फिक्स्ड है कि स्टॉक का अगर एक एरिया है कि लाइक ये वाला जो एरिया है हमारा, ये है हमारा 99.90 का, तो हमें जो स्टॉक के अंदर अपनी पोजीशन बनानी है वो 99.90 से बनानी है, और यहीं से हम स्टॉक के अंदर अपना एक बाइंग का व्यू रखेंगे। बाकी स्टॉक जब तक मेरे सपोर्ट लेवल पर नहीं आ जाएगा, हम इसके अंदर बाइंग नहीं करेंगे। और इसके बाद आता है रेजिस्टेंस लेवल। अभी रेजिस्टेंस लेवल में क्या होता है कि एक अपसाइड का एरिया होगा, अपसाइड का एरिया होगा, लाइक ये 99.90 का है, तो अपसाइड का एरिया हम मान लेते हैं कि 100.10। ये एक सर्टेन पॉइंट है, ये प्राइस का एक पॉइंट है कि अब जब स्टॉक इस एक पॉइंट पर आएगा तो ही हम उसको ट्रेड करेंगे, और जो हमारा एज अ रेजिस्टेंस जो काम करेगा ये पॉइंट ही काम करेगा। ये ज्यादा पावरफुल है, ये ज्यादा असरदार है डिमांड एंड सप्लाई जोन के, डिमांड एंड सप्लाई जोन से ज्यादा असरदार है हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। और यही फर्क होता है डिमांड एंड सप्लाई जोन में, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम डिमांड एंड सप्लाई जोन, हाँ अगर हम शुरुआती दौर में हैं, कुछ सीख रहे हैं, तो वहां पर हमें एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसके तरीके हैं, अगर वो तरीके बताए जाए तो आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर सकते हो। इस वीडियो में हम आपको दो तरीके बताएंगे, ठीक है, इसमें दो तरीके बताएंगे आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने। चलिए, तो जिस तरह से जोन को मार्क करने का कोई ऐसा नहीं कि बस हमें एक ऐसा जोन ढूंढना होता है कि जहां पर बार बार प्राइस आया हो और रिजेक्ट हुआ, तो उसको हम जोन बोल देते हैं। सपोर्ट्स में क्या होता है कि जैसे सपोर्ट या रेजिस्टेंस, सपोर्ट ये बताया अभी, रेजिस्टेंस क्या है कि 100.10, ये हमारा एक रेजिस्टेंस पॉइंट है। अब इस स्टॉक हमारे एक सर्टेन पॉइंट पर आएगा तो हम इसके अंदर अपने व्यूज बनाएंगे, ओके। बाकी प्राइस कहीं पर भी रहेगा हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें जो सेल आउट करना होता है प्राइस को वो सेम लेवल से करना होता है। इस एक लेवल से हम सेल करते हैं और इस एक लेवल से हम बाई करते हैं, इसके अलावा कोई जोन नहीं होता, कोई एक लेवल नहीं होता, ओके। अब देखिए, तो ये तो बात हो गई हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। अब आते हैं सीधे कि हाउ टू ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स। ये कुछ ड्रॉइंग्स हैं, उस दिनों पहले हमने एक वीडियो बना करके पोस्ट किया था, तो उसमें किसी एक फॉर्मेशन के बारे में हमने आपसे बात की थी, और उस फॉर्मेशन का नाम था XVRL इन द सेंस एग्जैक्ट वॉल्यूम रिवर्सल लेवल्स। इस फॉर्मेशन के थ्रू हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरह से मार्क करते हैं, ये चीज मैंने आपको पहले बताई थी कि आज का जो वीडियो है ये पूरी तरह से जो बेस्ड है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर बेस्ड है। हम यहाँ पर किसी तरह की एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस की बात नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना सीखेंगे। इसके बाद की जो सीरीज होगी उसके अंदर हम कोशिश करेंगे कि आपको एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट्स वगैरह बताए जाएं, ओके। बट आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ही देखेंगे और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ही पढ़ेंगे। तो एग्जैक्ट वॉल्यूम रिवर्सल लेवल्स में क्या होता है कि हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट कैंडल होती है वो होती है ये वाली कैंडल, सेंट्रल कैंडल हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट कैंडल मानी जाती है XVRL के थ्रू। तो हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट कैंडल है ये सेंट्रल कैंडल,
सेंट्रल कैंडल हमारी सबसे इंपॉर्टेंट कैंडल होती है, तो हम क्या करते हैं कि जस्ट बीच वाली जो कैंडल होती है, हम इस बीच वाली कैंडल का लो और हाई ये दोनों मार्क कर लेते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि जो फर्स्ट वाली कैंडल है, ओके, ये फॉर्मेशन समझना थोड़ा सा जरूरी है। अगर एक्स लेवल का वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका वीडियो जाकर के आप देख सकते हो, और लिंक भी डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे उसका, सो आप उसको क्लिक करके वहां से देख सकते हो। बहुत अच्छे से वो सारी चीजें वहां पर हमने एक्सप्लेन की, ओके। तो एक्स वीरियल वीआरएल को आप वहां से देख सकते हो। और अब जो हम बात करेंगे, क्योंकि एक्स वीआरएल को चलिए यहाँ पर भी एक बार फिर से हम एक्सप्लेन कर देते हैं। तो एक्स वीआरएल में जो सबसे इंपॉर्टेंट कैंडल बनती है वो बीच वाली कैंडल बनती है। हम क्या करते हैं, इस बीच वाली सेंट्रल कैंडल का हाई एंड लो मार्क कर लेते हैं। कोई जोन मार्क नहीं करते हैं कि हमने यहाँ पर कोई जोन मार्क कर लिया, जैसे यहां से लेकर के इतना ये पूरा जोन मार्क कर लिया। सो हम यहाँ पर कोई जोन मार्क नहीं करेंगे, या अगर हमें डाउन साइड में भी कोई मार्किंग करनी तो हम कोई जोन मार्क नहीं करेंगे। सेकेंड वाली कैंडल को लो भी ले लिया और फर्स्ट वाली कैंडल का ओपन और लो भी ले लिया, इस तरह से करते करके हमने पूरा एक जोन मार्क कर लिया। नहीं, हम जोन मार्क नहीं करेंगे, एक रेजिस्टेंस हमको चाहिए और एक सपोर्ट लेवल हमको चाहिए। तो किस तरह से मार्क करेंगे, एक लाइन लेकर के जस्ट जो हमारी सेंटर कैंडल है इसका हाई मार्क कर लेंगे और सेंटर वाली कैंडल का लो मार्क कर लेंगे। और अब यही पॉइंट हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का पॉइंट बनेगा और यही पॉइंट हमारे लिए एक सपोर्ट का पॉइंट बनेगा, ओके। अपर साइड का जो एरिया होगा, ये वाला जो एरिया है हमारा, ये होगा एक रेजिस्टेंस लेवल। रेजिस्टेंस इन द सेंस कि प्राइस जब अपने वॉल्यूम्स के अंदर होगा, इस वाली जो प्राइस है, प्राइस की रेंज के अंदर होगा, तो ये बनेगा एक रेजिस्टेंस, ये एक रेजिस्टेंस लेवल बनेगा, ओके। और नीचे का जो एरिया है ये एक सपोर्ट लेवल बनेगा। तो इस तरह से अप साइड का जो एरिया होगा ये सपोर्ट, और नीचे वाला जो एरिया होगा ये रेजिस्टेंस लेवल बनेगा। अभी इसके अंदर हमको बाइंग और सेलिंग किस तरह से करनी है कि स्टॉक प्राइस जब हमारा प्राइस एक लेवल के ऊपर है, लेवल्स के अप साइड में हमारा प्राइस है, तो हम क्या करेंगे, इस एक लेवल से जब अप साइड की तरफ निकल जाएगा हमारे प्राइस को, सेंटर वाली कैंडल को प्राइस ब्रेकआउट करके अप साइड की तरफ चला जाएगा, हम इसके अंदर बाइंग करेंगे। और जब प्राइस हमारी रेंज के अंदर होगा उस वक्त हम देखेंगे कि निफ्टी की मूवमेंट क्या है, उस दिन स्टॉक क्या कर रहा है, किस लेवल पर है। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है और हमको सेल साइड के, आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर आपका सिस्टम बोलता है कि स्टॉक को सेल होना चाहिए, तो सेल करने की जो जगह होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए, और यहाँ पर आपने सेल साइड के सिग्नल्स ले सकते हो। सेल साइड के सिग्नल्स इन द सेंस कि बेयरिश कैंडल फॉर्मेशन देखनी, बेयरिश कैंडल फॉर्मेशन को यहाँ पर ड्रॉ होना चाहिए। अब आप वहाँ पर पियर्सिंग पैटर्न देख सकते हो, मदर कैंडल देख सकते हो, इंगल्फिंग पैटर्न देख सकते हो, पिन बार देख सकते हो, जो भी फॉर्मेशन आपको लगती है बेयरिश फॉर्मेशन है, उन बेयरिश फॉर्मेशंस के मार्क होने की, ड्रॉ होने की जो सही जगह होगी वो जगह होती है ये वाली कैंडल, इसका कैंडल का हाई। अभी जैसे ही वो फॉर्मेशन नीचे की तरफ ब्रेकआउट होगी हम यहाँ से सेलिंग करेंगे। जस्ट इसका वाइस वर्सा कि अब अगर किसी भी स्टॉक को हमें बाई करना है, बाई करने के लिए हमें क्या चाहिए कि एक लेवल से जैसे ही स्टॉक जैसे इस वाले पॉइंट पर है तो बाई करना है, हम यहाँ पर क्या करेंगे कि अब बुलिश पैटर्न देखेंगे। बुलिश पैटर्न में भी वही कि बुलिश इंगल्फिंग देख लेते हैं, मदर कैंडल देख सकते हैं, पिन बार देख सकते हैं, इंगल्फिंग पैटर्न देख सकते हैं, और जब इन बुलिश पैटर्न्स का ब्रेकआउट अप साइड की तरफ मार्केट कर देगी तो हम यहां से अप साइड की तरफ एक ट्रेड लेंगे अपना, ओके। बट जो सबसे मेन और इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज का वो ये कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरह से ड्रॉ करेंगे। तो एक कैंडल का हाई और लो इंपॉर्टेंट है, हम उसको मार्क कर लेंगे, और इस कैंडल का हाई हमारे लिए रेजिस्टेंस बन जाएगा और ये सपोर्ट बन जाएगा, नीचे का एरिया हमारे लिए एक सपोर्ट बन जाएगा, ये वाला पॉइंट, और ये एक पॉइंट रेजिस्टेंस बनेगा। अभी मार्केट जैसे ही प्राइस को नीचे की तरफ ब्रेकआउट कर देगी ये वाला एरिया हमारे लिए रेजिस्टेंस बन जाएगा, प्राइस जैसे इस लेवल को ब्रेकआउट कर देगा अपसाइड की तरफ ये हमारे लिए एक सपोर्ट बन जाएगा। अब जो हमारे पास एक्शंस लेने के लिए जो जगह बनेगी, पॉइंट्स बनेंगे, वो ये वाले पॉइंट्स बनेंगे। तो ये तो हो गया, और सेम वाइस वर्सा इसका ग्रीन फॉर्मेशंस में, इस वाली कैंडल का हाई मार्क कर लेंगे और लो मार्क करेंगे, और वो ही लेवल्स हमारे लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेंगे। एक पॉइंट ये और एक पॉइंट, जैसे कि प्राइस ऊपर है तो अपसाइड का एरिया हमारे लिए एक सपोर्ट बनेगा, ये वाला एरिया हमारे लिए सपोर्ट बनेगा। प्राइस अगर रेंज के अंदर है तो ये वाला एरिया हमारे लिए सपोर्ट बनेगा। प्राइस जैसे ही नीचे आ जाएगा, अपने सपोर्ट से नीचे की तरफ ब्रेकआउट करके आ जाएगा, तो सेम एरिया हमारे लिए रेजिस्टेंस बन जाएगा, और जब प्राइस वापस से अपनी इस वाले लो को ब्रेकआउट करके नीचे की तरफ आ जाएगा, सेंटर वाली कैंडल के लो को जैसे ब्रेकआउट करके नीचे की तरफ आएगा, तो यही एरिया हमारे लिए रेजिस्टेंस बन जाएगा। ये तो हुआ हमारे लिए एक्स वीआरएल के थ्रू किस तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। और वैसे ही होता है हमारे पास
टॉप डाउन वॉल्यूम फॉर्मेशन। अब टॉप डाउन वॉल्यूम फॉर्मेशन में क्या है कि यहां पर हमें देखना होता है कि जिस तरह से हमने यहां पर एक सेंटर कैंडल को अपनी सिग्निफिकेंट कैंडल माना, उसी तरह से टॉप डाउन वॉल्यूम फॉर्मेशन में भी हम सेंट्रल कैंडल को ही अपनी सिग्निफिकेंट कैंडल मानते हैं। ये सेंट्रल कैंडल है और जो सेंट्रल की कैंडल होगी, सेंट्रल कैंडल को हम अपनी सिग्निफिकेंट कैंडल बोलेंगे, वो हमारा प्राइस का सिग्निफिकेशन होगा। ये फॉर्मेशन बनती कैसे है कि सबसे पहले जो फर्स्ट वाली वॉल्यूम होगी, बहुत इजी है, बहुत इजी, जो फर्स्ट वाली वॉल्यूम है उससे ज्यादा वॉल्यूम होनी चाहिए हमारी सेंट्रल वाली कैंडल की यानी सेकंड वॉल्यूम की, और सेकंड वाली वॉल्यूम से कम होनी चाहिए हमारी थर्ड वाली वॉल्यूम। सेम इसके रेट में यहां पर जो बीच की वॉल्यूम होगी इन दोनों ही वॉल्यूम से ज्यादा की होनी चाहिए, यानी कि फर्स्ट वाली वॉल्यूम सेकंड वाली वॉल्यूम से कम होगी और थर्ड वाली वॉल्यूम सेकंड वाली वॉल्यूम से कम होगी। तो यहां पर जो इंपॉर्टेंट वॉल्यूम निकल करके आती है वो है हमारी सेंटर वाली वॉल्यूम। अब हमें करना क्या है, क्योंकि वॉल्यूम्स को तो हम ट्रेड नहीं कर सकते, अब जो हमें मार्किंग करनी है वो करनी है सिर्फ और सिर्फ प्राइस। तभी हमको सिग्निफिकेशन मिल गया प्राइस का। तो अब जो इंपॉर्टेंट कैंडल बन गई वो हमारी सेंट्रल कैंडल बन गई। सेंट्रल वाली कैंडल का हम हाई मार्क कर लेंगे और लो मार्क कर लेंगे, और इसी तरह से सेंट्रल वाली कैंडल का हाई मार्क कर लेंगे और लो मार्क कर लेंगे, और अब यही एरिया हमारे लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेगा। ओके, ये दो तरीके हैं कि जिससे हम एक डिमांड एंड सप्लाई जोन तैयार कर सकते हैं। और उसके बाद में जो सबसे पावरफुल तरीका है हमारे पास ट्रेड करने का वो है टॉप डाउन वॉल्यूम फॉर्मेशन और XVRL के थ्रू। तो इस तरह से हम एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं। तो टॉप डाउन वॉल्यूम फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, सेंट्रलाइज कैंडल को, क्योंकि दोनों में ही जो फॉर्मेशन है हमारी वॉल्यूम्स की, इन दोनों में ही जो इंपॉर्टेंट कैंडल फॉर्मेशन है वो सेंट्रल कैंडल है। यहां पर भी सेंट्रल कैंडल का हाई लो मार्क करेंगे और यहां पर भी हम सेंट्रल कैंडल का हाई लो मार्क करेंगे। अब क्योंकि XVRL को हम पहले देख चुके हैं, अब हम जो देखेंगे टॉप डाउन वॉल्यूम फॉर्मेशन को ही देखेंगे। टॉप डाउन वॉल्यूम फॉर्मेशन को हम सीधे चलते हैं चार्ट्स पर और वहां से कोई एग्जांपल लेकर के आपको दिखाते हैं। टॉप डाउन वॉल्यूम फॉर्मेशन में सबसे पहले तो हमें यहाँ पर टाइम फ्रेम मालूम होना चाहिए कि कौन सा टाइम फ्रेम हम यूज करेंगे। ओके, तो टाइम फ्रेम के लिए जो सबसे बड़ी चीज है कि हायर टाइम फ्रेम जो यूज करेंगे हम इसके लिए इंट्राडे को ट्रेड करने के लिए, वो होगा सबसे पहले 1 आवर का, और उसके बाद में होगा 5 मिनट। ये दो टाइम फ्रेम हम यूज करेंगे। 1 आवर में हम क्या करेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो पॉइंट्स पिन पॉइंट प्राइस जो हमको मार्क करना है वो हम 1 आवर पर मार्क करेंगे, और 5 मिनट्स में आकर के अपनी कंफर्मेशंस लेंगे जिस तरह से हम इसको ट्रेड करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं। अब 1 आवर जैसे ये हिंदुस्तान यूनिवर XYZ हम कोई भी एक स्टॉक ले लेते हैं। अब जैसे यहाँ पर हमारे पास अडानी पोर्ट्स आ गए, अभी अडानी पोर्ट्स में हम आ जाते हैं सीधे 1 आवर के चार्ट। वॉल्यूम्स को ऑन करते हैं। ओके, अब देखिए वॉल्यूम्स को हमने ऑन कर लिया है, हमें एक फॉर्मेशन मिली है इस एक पॉइंट पर। सिग्निफिकेंट कैंडल कौन सी बन गई हमारी, ये 9:15 की कैंडल 12th of May की। तो यहां पर जो हमारे लिए कैंडल निकल करके आई, इंपॉर्टेंट कैंडल जो निकल करके आई वो है ये वाली कैंडल। ओके, तो इस एक कैंडल को हम मार्क कर लेंगे, इसका हाई और लो दो पॉइंट्स हम मार्क करेंगे। अब यहां पर अभी हमने बताया आपसे कि एंट्रीज वगैरह की बात हम यहां पर नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हमको जो देखना है वो एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करके देखना है। तो इस तरह से हम इसके अंदर सपोर्ट ड्रॉ कर सकते हैं। आगे अगर हम और लेना चाहें तो जैसे ये XVRL है, ओके, XVRL में हमें क्या करना है कि सेम रेंज देखिए निकल करके आ रही है। अगर हम मार्क करेंगे तो हमारा टॉप डाउन लेवल भी यही है और XVRL का लेवल भी यही है। अगर हम मार्क करेंगे तो यहां पर क्या है कि टॉप डाउन का लेवल भी यही है और XVRL का लेवल भी यही है, तो सेम लेवल हमारे लिए एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम कर जाएगा। ओके, अभी अगर हम देखें तो 14th May का जो चार्ट है वो सेम उसी पॉइंट से नीचे की तरफ गिर चुका है। तो इस तरह से हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हैं। अभी कोई दूसरा चार्ट लेते हैं। ओके, अब यहां पर देखिए सिग्निफिकेंट लेवल कौन सा बना हमारा यहाँ पर,
टॉप डाउन के अकॉर्डिंग ये वाला एरिया। सेम लेवल हमारे लिए एक रेजिस्टेंस या सपोर्ट का काम करेगा। दूसरे चार्ट पर आते हैं, अशोक लेलैंड में देखिए हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट कैंडल बन गई वो बन गई 9:15 की कैंडल, क्योंकि ये टॉप डाउन है, वॉल्यूम्स के टॉप डाउन है और 9:15 की कैंडल का लो हम मान लेंगे, लो और हाई। हमें देखना है कि स्टॉक अगर अपसाइड की तरफ निकलता है तो हम ऐसे ट्रेड करेंगे इसको, वरना कोशिश करेंगे 114.85 इस एक रेंज से हम इसको ट्रेड करें। आई थिंक क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा मुझको, कोशिश करेंगे पूरी की पूरी कि आपके सवालों का जवाब हम दें। तो ये डिफरेंस होता है, एक बड़ा डिफरेंस होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस में, डिमांड एंड सप्लाई जोन्स में। हमारे पास एक सर्टेन पॉइंट नहीं होता कि जहां से हम स्टॉक को पकड़ पाए। तो इस तरह से हम अपना काम कर सकते हैं और इजिली कर सकते हैं। हमारे पास एक लेवल होता है, पॉइंट होता है कि जहां से हमें उम्मीद होती है, हमारी एनालिसिस ये बोलती है कि हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग स्टॉक उस लेवल से नीचे की तरफ आ सकता है या उस लेवल से अपसाइड की तरफ जा सकता है। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि अपनी ट्रेडिंग में हम किसी जोन को यूज ना करते हुए, अगर आप करते हैं आपके पास एक सिस्टम है अच्छा तो ये करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप किसी सिस्टम की तलाश में हैं, सपोर्ट डिमांड एंड सप्लाई जोन को ड्रॉ करने में प्रॉब्लम आती है तो आप इस तरफ शिफ्ट हो सकते हो और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करके उससे ट्रेड कर सकते हो। क्या होगा कि कंफ्यूजन्स कम हो जाएगी और दो लाइंस की बजाय आपके पास सिर्फ एक सिंगल लाइन होगी, वहां तक प्राइस आएगा, आप ट्रेड करोगे। अपनी कंफर्मेशन होगी जिस तरह से बताया, अगर बाई करना है तो बाई साइड के कितने फॉर्मेशंस होते हैं, यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं, बहुत सारी किताबें हैं कि जहां पर बुलिश फॉर्मेशंस और बेरिश फॉर्मेशंस दिखाई गई, तो उन फॉर्मेशंस का यूज कर सकते हो आप अपने रेजिस्टेंस सपोर्ट पर। देखिए जितनी भी बुलिश और बेरिश फॉर्मेशंस होती है ना, सबकी जगह होती है कि हर जगह वो वैलिड नहीं होती। अब जैसे हमारे पास ये वाला एरिया बन गया, ओके, अगर हमने ये वाला लेवल अपना ड्रॉ कर लिया है तो वापस देखिए प्राइस हमारा 12:15 पर आया है, यहाँ पर 12 मई को 12:15 पर। यहाँ पर देखिए 12 मई को 12:15 के बाद हम देखेंगे कि स्टॉक्स के अंदर क्या हुआ। तो देखिए यहाँ पर अगर हमको कोई भी, अब हमें जो सबसे इजीली दिख रहा है यहाँ पर कि हमें एक मदर कैंडल का फॉर्मेशन दिख जाता है, सबसे इजीली जो दिखता है वो मदर कैंडल का फॉर्मेशन दिख जाता है। तो देखिए अगर हम 1:20 की कैंडल, 1:20 की कैंडल ने एक मदर कैंडल का फॉर्मेशन किया है, इसके नीचे जैसे ही प्राइस क्लोज करेगा हम अपने रिट्रेसमेंट पर यानी कि 1:20 की लो पर अपना एंट्री लेंगे और जो स्टॉप लॉस लगेगा हमारा जस्ट थोड़ा सा ऊपर, हम अपना स्विंग के ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे। ओके, थोड़ा सा स्विंग के ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे और एंट्री पॉइंट हमारा इस मदर कैंडल पर होगा और बाद के जो आपके टारगेट्स हैं या जो स्विंग्स हैं वहां तक के आप अपने टारगेट्स लगा सकते हो इजीली। ओके, तो इस तरह से हम टॉप डाउन और XVRL के थ्रू एक सही सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं। शुरुआत में कम क्वांटिटीज के साथ काम कीजिएगा, कम क्वांटिटीज के साथ ट्रेड कीजिएगा। ओके, जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाती है आप अपना रिस्क इंक्रीज कर सकते हो, बट जितना भी रिस्क होगा वो आपकी अपनी खुद की जिम्मेदारी पर होगा। ओके, आपके प्रॉफिट एंड लॉस में हमारी कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। कम रिस्क के साथ ट्रेड कीजिए, कम रिस्क के साथ ट्रेड करते जाएंगे तो क्या होगा कि कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा उस हिसाब से आप इसके अंदर अपना रेश्योस बढ़ाते चले जा सकते हो, अपना रिस्क बढ़ाते चले जा सकते हो। बस शुरुआत में ही क्या है कि एक दो ट्रेड हमारे सही हुए तो हमने बड़ा बड़ा रिस्क लेना शुरू कर दिया। क्या होगा कि वही एक टर्निंग पॉइंट होता है कि जहां से हमारा PNL रेड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे PNL ही नहीं कन्वर्ट होता, हमारा अकाउंट भी रेड में कन्वर्ट होने लगता है। तो इसी तरह से मनी मैनेजमेंट को पूरी तरह से अपने साथ में रखते हुए ही काम कीजिए। ओके, थैंक यू, गुड बाय, और आज के लिए इतना ही, बाकी इसके आगे का पार्ट भी लेकर के आएंगे, वहां पर और तरीके देखेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने के। ओके, सो थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।